लैला साइबर क्राइम की दुनिया का जादूगर है, बबलू उस जादूगर का मंत्र। आई वॉन्ट बबलू राणा बत्तू। बबलू ढूंढने से नहीं, किस्मत से मिलता है। क्या है टाइगर और हीरो मंडी का कनेक्शन? कैसी फिल्म होने वाली है हीरोपंती 2? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोस और मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट श्रीशा। आज आपके लिए लेकर आई हूं स्टारडम से भरी मूवी हीरोपंती 2 से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ की नई फिल्म आ रही है, अरे डरने की कोई बात नहीं है। फिल्म का नाम हीरोपंती 2 है, हीरा मंडी नहीं। ये एग्जाम्पल हमने इसलिए दिया क्योंकि संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी सीरीज पर पाकिस्तान वालों ने अटैक किया है। खैर, हीरोपंती 2 एक साइंस फिक्शन फिल्म है जिसमें साइंस का इस्तेमाल फिक्शनल तरीके से किया गया है। टाइगर ने 2014 में हीरोपंती नाम की फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। ये उनका सीक्वल है। बस दोनों फिल्मों की कहानी में कोई समानता नहीं है। आमतौर पर क्या होता है, जब कोई राइटर किसी प्रोड्यूसर के साथ फिल्म का आइडिया पिच करने जाता है तो उससे दो लाइन में फिल्म की कहानी पूछी जाती है। हीरोपंती 2 के मेकर्स ने इस बात को सीरियसली ले लिया। उन्होंने उसी दो लाइन की कहानी पर फिल्म बना दी। हीरोपंती 2 की कहानी लैला नाम के एक साइको जीनियस के बारे में है, जो वो पेशे से साइबर क्रिमिनल और शक से जादूगर है, मगर उसका एक फेमिनिन एंगल भी है। उसे लिपस्टिक और नेल पेंट लगाना पसंद है। दिन ब दिन लैला का उत्साह बढ़ता जा रहा है। उसके सनकीपन से दुनिया को सिर्फ एक आदमी बचा सकता है। कौन हो सकता है वो? अपना बबलू। मगर बबलू के साथ एक समस्या है, बबलू ढूंढने से नहीं मिलता, किस्मत से मिलता है। ठीक वैसे ही जैसे भाई दिल में आते हैं, समझ में नहीं। डायलॉग से याद आया, इस फिल्म के संवाद रजत अरोड़ा ने लिखा है। दर्शकों, अब इसी के साथ खत्म करते हैं बातों का सिलसिला, लेकिन आप बस हम पर एक मेहरबानी करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हम कहां भागे जा रहे हैं, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें और सेफ रहें।